subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now let us discuss the types of Animalia animals one by one. First hai, porifera ya phir sponges. They are aquatic, non-motile animals attached to some solid support. ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं और ये एक किसी सॉलिड सपोर्ट के साथ अटैच रहते हैं। इनकी पूरी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं जो कि एक कैनाल सिस्टम बनाते हैं, जिनकी वजह से वाटर की सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो जाती है और फूड और ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ जाता है। इनका एक हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड स्केलेटन होता है बाहर से, और इनमें कोई भी टिश्यूज नहीं होते। ये एग्जाम्पल्स आर स्पॉन्जिला, साइकन एंड यूब्लेक्टीलिया। ठीक है, नेक्स्ट है कोइलेंट्राटा। दे आर एक्वेटिक एनिमल्स, ये भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी, द बॉडी हैज टू लेयर्स ऑफ सेल्स, एन आउटर लेयर एंड एन इनर लेयर। इनकी बॉडी में एक कैविटी होती है और उसके दो लेयर होती है सेल्स की, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। कुछ कॉलोनीज में रहते हैं जिनको कोरल्स भी कहा जाता है और कुछ अकेले रहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कोरल्स जो कि कॉलोनीज में रहते हैं, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमन एटसेट्रा। नेक्स्ट है फ्लैटी हेलमिंथिस और फ्लैटवॉर्म्स। दे हैव अ फ्लैट बॉडी, इनको फ्लैटवॉर्म्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी फ्लैट बॉडी होती है विच इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होती है, सिमेट्री होती है इनमें। राइट और जो लेफ्ट हाफ होता है और जो राइट हाफ होता है दोनों सेम होता है इनकी बॉडी का, सो इनमें एक सिमेट्री होती है। दे हैव थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स, तीन सेल्स की लेयर्स होती हैं और इसीलिए उनको ट्राइप्लोबास्टिक कहा जाता है। इनमें कोई भी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। प्लेनेरिया जो कि एक फ्री लिविंग है, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग पे, मैटर पे या किसी और किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। लिवर फ्लूक, टेपवर्म, टेपवर्म इज पैरासाइटिक। नेक्स्ट है नेमाटोडा। इनकी सिलिंड्रिकल बॉडी होती है और इनकी जो बॉडी है उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, ये भी अगर हम इनको बीच में से हाफ कर दें तो राइट एंड लेफ्ट पोर्शन सेम होता है और ये भी ट्राइप्लोबास्टिक होती है। इनके पास भी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, इनके पास टिश्यूज होते हैं लेकिन ऑर्गन्स नहीं होते और ये पैरासाइटिक होते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर फूड। एस्कैरिस मतलब राउंड वर्म या फिर पिन वर्म्स, ये इनके टाइप्स हैं, इनके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज एनालिडा। देयर बॉडी इज ऑल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्राइप्लोबास्टिक। ठीक है, इनके अंदर भी सेम चीजें होती हैं बट इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है और इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, पोर्शंस। देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स हैं, होते हैं इनके पास और ये वाटर और लैंड दोनों में मिलते हैं, जैसे कि अर्थवर्म, नेरीस, लीच एटसेट्रा। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा या फिर इनको हम जॉइंट लेगेड भी बोलते हैं। इनके पास भी बायलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब लेफ्ट और राइट जो इनका पोर्शन है बॉडी का वो सेम होता है और इनकी बॉडी में भी सेगमेंट्स होते हैं और इनके पास एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट का जो सिस्टम है वो ओपन होता है, जो बॉडी की कैविटी होती है उसमें ब्लड फिल्ड होता है और इनके पास जॉइंट लेग्स होती हैं, जो लेग्स होती हैं उनकी जुड़ी हुई होती हैं, जॉइंट होती हैं, जैसे कि प्रॉन, क्रैब, कॉकरोच, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, सेंटीपीड एटसेट्रा। नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का में भी बायलेटरल सिमेट्री होती है, इनकी को इलोमिक कैविटी जो है वो रिड्यूस होती है और इनमें कम सेगमेंटेशंस होती है, जो इनके अंदर की बॉडी की कैविटी होती है वो ज्यादा बड़ी नहीं होती, थोड़ी कम होती है। इनके पास भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और किडनी के जैसे ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इनके पास मूव करने के लिए फीट होते हैं। एग्जांपल्स है स्नेल, मसल्स, काइटन, ऑक्टोपस एटसेट्रा। नेक्स्ट है
एकिनोडर्माटा या फिर स्पाइनी स्किन। इनके पास स्पाइनी स्किन होती है, मतलब स्पाइन्स होते हैं इनकी स्किन के ऊपर। फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स होते हैं, मतलब ये अपना जो फूड है ये दूसरों से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंडेंट एज सच नहीं होते, किसी के ऊपर फीड नहीं करते। दे आर ट्राइप्लोबैस्टिक एंड हैव कोएलोमिक कैविटी। दे आर वाटर फिल्ड ट्यूब फीट विच हेल्प इन मूवमेंट। इनकी जो फीट है वो वाटर फिल्ड होती है, ट्यूब लाइक होती है, और इनका हार्ड स्केलेटन होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जैसे कि स्टारफिश, सी अर्चिन, फेदर स्टार, सी कुकम्बर एक्सेट्रा। नाइन्थ है प्रोटोकॉर्डेटा। इनके पास भी बायलेटरल सिमेट्री होती है और ये ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके पास भी कोएलमिक कैविटी होती है। दे हैव नोटोकॉर्ड विच इज अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लंबा होता है, लॉन्ग रॉड के जैसा, अलॉन्ग इट्स बैक टू विच मसल्स आर अटैच्ड टू हेल्प इन मूवमेंट। इनके पास फीट नहीं होती, लेकिन इनकी जो बैक है वो लंबी होती है रॉड की जैसी, जिसमें मसल्स अटैच होते हैं जिनसे वो मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बेलानोग्लॉसिस, एम्फियोक्सिस एंड हार्डीमेनिया। एंड द लास्ट इज वर्टिब्रेटा, जिनको हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। इनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है और इंटरनल स्केलेटन होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्राइप्लोब्लास्टिक भी होते हैं ये, कोएलमिक कैविटी भी होती है इनके पास, और इनकी बॉडी जो है वो टिश्यूज और ऑर्गन्स दोनों से बनी होती है। इनकी बॉडी में चार रीजन्स होते हैं। फर्स्ट है हेड, जो सबसे ऊपर का रीजन है, उसके बाद नेक, फिर ट्रंक और फिर टेल। इनके पास टू पेयर्स ऑफ फिन्स होते हैं या फिर लिम्स होते हैं, हैंड्स हो गए या फिर कोई ऐसी चीजें। रेस्पिरेशन एक्वेटिक फॉर्म में अगर वाटर के एनिमल्स हैं तो गिल्स से होती है, और अगर लैंड पर रहने वाले एनिमल्स हैं तो लंग्स से होती है। दे हैव डिफरेंट सेक्सेस, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स अलग अलग होते हैं इनके अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द 10 टाइप्स ऑफ ग्रुप दैट वर प्रेजेंट इन द किंगडम एनिमेलिया।